हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएचओ फाइंडिंग्स। तो मैं आज आपको पीवीआई के बारे में बताऊंगी कि न्यू पीवीआई फॉर्मेट अपडेट हो चुका है ऑनलाइन। तो आप पीवीआई को ऑनलाइन कैसे फिल कर सकते हैं, उससे जुड़ी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले हमें CHO.MIS पोर्टल गूगल पर ओपन करना होगा। उसमें NIN नंबर, जो हमारा HWC की डेली रिपोर्टिंग होती है वो वाला नंबर उसमें फिल करना है, और Gmail ID फिल करनी है अपनी। फिर Gmail ID पर एक OTP आएगा, वो OTP उसमें डालना है और हमारा पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद हमें लॉगिन करना है CHO.MIS पोर्टल। फिर आपको जिस भी मंथ में PVI डालना है वही मंथ आपको उसमें सिलेक्ट करना होगा। CHO का ऑनलाइन PVI फिल करने का सही तरीका क्या है और किस तरीके से फिल करना है, तो सबसे पहले हम इस तरह से लिख के रख लेंगे एक पेपर पर हमारा टारगेट क्या है और अचीवमेंट क्या है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले गूगल ओपन करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे CHO.MIS। ये एक पोर्टल है जिस पर CHO का PVI ऑनलाइन फिल किया जा सकता है। तो जैसे ही ओपन हो जाता है तो हम यहाँ पर राइट साइड में जो लॉगिन का ऑप्शन देख रहे हैं आप, इस पर टैप करेंगे और यहाँ पर NIN नंबर फिल करेंगे अपना। NIN नंबर और पासवर्ड डालने के बाद हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ईयर सेलेक्ट करेंगे और जिस मंथ का हमें PVI फिल करना है वो सिलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद लेफ्ट साइड में 3 लाइंस दिखाई दे रही होंगी आपको, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके अंदर डाटा एंट्री फॉर्म पर क्लिक करेंगे, फिर दिखता है CHO इंसेंटिव, तो हम इस CHO इंसेंटिव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करके गो पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर जो हमारा पहले नो क्लेम का ऑप्शन आ रहा था वो भी हट चुका है। तो हम राइट साइड में जो एंट्री का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करेंगे। आप ये जो नॉट स्टार्टेड देख रहे हैं, अभी यहाँ पर फिल नहीं हुआ है कोई भी PVI। OPD में मैंने फिल कर रखा है, देखिए 1000 लिखा हुआ है इसके सामने और स्टार्टेड लिखा हुआ है। जब ये सारे पॉइंट्स फिल हो जाएंगे तो सब पे स्टार्टेड लिखा हुआ आएगा और उनके आगे अमाउंट लिखा आएगा कि कितना अमाउंट आपको मिलने वाला है। तो राइट साइड पे जो एंट्री का ऑप्शन देख रहे हैं हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको ANC वाला, इसमें हम क्लिक करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि PVI के जो ये सारे ऑप्शन हैं वो कैसे फिल किए जाते हैं, पूरा डिटेल में समझाया था, तो आप ये वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आज हम जल्दी जल्दी फिल करेंगे। तो यहाँ का हमारा टारगेट 66 है, टोटल ANC जितनी है हमारे एरिया में वो 66 है। तो देखिए, इसके 66 के अगेंस्ट हमने 57 ANCs को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ विजिट प्रोवाइड कराई हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा PVI 1000 रुपीस आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। अभी यहाँ हम सेव नहीं करेंगे, सेव हम लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा HBNC विजिट का। इसमें आता है नंबर ऑफ न्यू बॉर्न हु रिसीव्ड विजिट एज पर HBNC शेड्यूल, टोटल नंबर ऑफ न्यू बॉर्न ड्यू फॉर विजिट दैट मंथ। तो इसमें जो टारगेट है हमारा, इसमें आएंगे टोटल न्यू बॉर्न जो इस मंथ पैदा हुए हैं और जो जिनकी विजिट पहले से चल रही हैं, वो दोनों को प्लस करके टारगेट में लिखेंगे। और हमारा अचीवमेंट में, इसमें से टारगेट में से हमने जितनों को विजिट प्रोवाइड कराई है इस मंथ वो लिखेंगे, तो हम इसमें डाल देंगे और इस पर क्लिक करेंगे। देखिए, इसमें अगर आप 18 ही डाल देते हैं तो आपका 0 PVI आएगा। तो हमारा जैसे 18 टारगेट है तो इसके अकॉर्डिंग हमने जितने विजिट प्रोवाइड कराई हैं वो हम इसमें डालेंगे, तो इसमें 1000 रुपीज़ शो हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, रूटीन इम्यूनाइजेशन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु रिसीव्ड इम्यूनाइजेशन एज पर शेड्यूल इन ए मंथ, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड चिल्ड्रन हुज इम्यूनाइजेशन वॉट ड्यू दैट मंथ। तो इसमें 90% अचीवमेंट हमारा पूरा होना चाहिए तभी हमें 100%
पीबीआई मिलेगा। टीन इम्यूनाइजेशन में आपका टारगेट 90% होना चाहिए। अगर 90% से कम होता है अचीवमेंट तो हमारा पीबीआई 0% मिलेगा, और अगर 90% कंप्लीट हो जाता है तो पीबीआई आपको 100% मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 1000 रुपीज़ दिखा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, टीबी पेशेंट रिसीव्ड ट्रीटमेंट। तो नंबर ऑफ सस्पेक्टेड टीबी केसेस रेफर्ड फॉर डायग्नोसिस, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेंट इन ओपीडी अचीवमेंट। तो ये तीन जो लिखा हुआ है, ये 3% पेशेंट हमें टीबी के लिए रेफ़र करने होते हैं पीएससी या सीएससी पर। तो ये ओपीडी का 3% होता है। जैसे हमारी 400 ओपीडी होती है पर मंथ, तो उसका 3% हमें निकालना होता है। तो 3% के हिसाब से 12 आता है, तो 12 मरीज हमें रेफ़र करने होते हैं सीएससी पर। तो 12 हमारा टारगेट हो जाएगा, और अचीवमेंट हमारा जितने भी पेशेंट आपने सीएससी पर भेजे हैं उतने के अकॉर्डिंग आपका टारगेट हो जाएगा। अगर आप 50% भी भेजते हैं तो 1000 रुपीज़ काउंट होगा आपका। 33% पे भी 1000 रुपीज़ मिलेंगे, 3 पेशेंट पर भी, 2 पेशेंट पर भी, लेकिन 1 पेशेंट पर भी अगर 0 करते हैं तो 0 मिलेगा। तो आप इसमें जितने आपने रेफ़र किए हैं उतने आप पेशेंट इसमें डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, ओपीडी। तो टोटल नंबर ऑफ ओपीडी हमने पहले से भर रखा है, हमारी 447 ओपीडी हुई है इस मंथ, तो हमने ये डाल रखा है इसमें। 400 से ऊपर ओपीडी आपकी होनी चाहिए, अगर 400 से कम होती है तो आपको पीबीआई 0 मिलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सी बैक फॉर्म फिलिंग। नंबर ऑफ सी बैक फॉर्म फिल, टोटल पॉपुलेशन अबव 30 ईयर एंड अबव ऑफ एज अचीवमेंट। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे HWC के अंदर पॉपुलेशन आती है उसमें 30 प्लस के लोग कितने हैं, वो हमें टारगेट इसमें दिया हुआ है। जो 2113 दिख रहा है ये हमारा 30 प्लस के लोगों का टारगेट है जो हमारे HWC के अंदर आती है पॉपुलेशन। तो इसको हमें 12 से डिवाइड कर लेना है तो हमारा मंथली टारगेट निकल जाएगा। अगर हम 2113 को डिवाइड करेंगे तो 176 आएगा हमारा टारगेट। तो हमें एक मंथ में 176 फॉर्म सी बैक फॉर्म फिल करने हैं। तो हमने उसके अकॉर्डिंग कितने सी बैक फॉर्म फिल किए हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो हमने इतने किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्क्रीन फॉर हाइपरटेंशन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ 30 ईयर एंड अबव ऑफ एज अचीवमेंट। तो इसमें है जितने हमने सी बैक फॉर्म फिल किए हैं उन सभी की हमें स्क्रीनिंग भी करनी है हाइपरटेंशन के लिए और डायबिटीज़ के लिए। तो हमने हाइपरटेंशन के लिए कितने लोगों की स्क्रीनिंग की है 30 प्लस के, वो हमें यहाँ पर डालना है। अगर हमने 165 की कर दी तो 165 डालेंगे, अगर उससे कम की कर पाए हैं तो हम वही नंबर्स में फिल कर देंगे। और ये जो 6 और 7, ये देखिए जैसे मैं नंबर्स में डाल रही हूँ तो 6 और 7 ये थर्ड नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि 120 मरीज पे आपको 6 पेशेंट हाइपरटेंशन के मिल सकते हैं। तो ये हमारा पेशेंट का टारगेट है। तो अगर हमने यहाँ पर डाला है 165 तो हमें 8 मरीज हाइपरटेंशन के मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ हाइपरटेंशन पेशेंट हु रिसीव ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग फॉलो अप ट्रीटमेंट। टोटल नंबर ऑफ डायग्नोस्ड पेशेंट फॉर हाइपरटेंशन। तो उसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ हाइपरटेंशन पेशेंट हु रिसीव ट्रीटमेंट, जिसको हमने स्क्रीन किया है हाइपरटेंशन के लिए उनमें से कितनों को हमने ट्रीटमेंट दिलवाया है और कितनों का फॉलो अप किया है, सबको जोड़ के इसमें लिखना है। और जो हाइपरटेंशन के लिए डायग्नोस हुए हैं न्यू वो भी, और जो पहले से ट्रीटमेंट में चल रहे हैं वो इसमें काउंट करके लिखने हैं हमें। तो हमारा टारगेट था यहाँ पे 7-8 का, और हमें इसके अगेंस्ट मिले हैं 5।
तो हम इस तरह से कर देंगे इसे। इससे पहले मैं आपको सेवन्थ ए पॉइंट दिखाऊंगी। ये जो थर्ड नंबर पे आप 8 देख रहे हैं 165 के अगेंस्ट, ये हमारा टारगेट है कि इतने मरीज हमारे निकलने चाहिए हाइपरटेंशन के और डायबिटीज़ मेलाइटिस के। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। नंबर ऑफ हाइपरटेंशन हु रिसीव ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग फॉलो अप ट्रीटमेंट, टोटल नंबर ऑफ डायग्नोस्ड पेशेंट फॉर हाइपरटेंशन। तो इसका मतलब क्या है, हमारा 8 पेशेंट हमारे कम से कम 165 में निकलने चाहिए। तो हमारा हाइपरटेंशन का टारगेट 4 होगा और इसके अगेंस्ट हम 1 मरीज डाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्क्रीनिंग ऑफ डायबिटीज़। नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्क्रीन फॉर डायबिटीज़, टोटल पॉपुलेशन ऑफ 30 ईयर एंड अबव ऑफ एज अचीवमेंट। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर हाइपरटेंशन में टारगेट देखा था हमारा 2113 में से 12, 2113 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 176 टारगेट आ जाता है। उसके अकॉर्डिंग हमने 30 प्लस के कितने सी बैक फॉर्म फिल किए हैं और कितनों की स्क्रीनिंग की है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा डायबिटीज़ का भी टारगेट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 165 डालेंगे। ये 165 से कम भी हो सकता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सेम नंबर हो हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग का और डायबिटीज़ स्क्रीनिंग का। कोई मना भी कर देता है डायबिटीज़ स्क्रीनिंग कराने के लिए। तो यहाँ पर हमारे जो तीसरा नंबर आपको दिख रहा है 8, तो 165 हमने स्क्रीन किया है, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट हमारे 8 इसमें निकल सकते हैं डायबिटीज़ के। नेक्स्ट पॉइंट हमारा टेली कंसल्टेशन का है। इसमें टेली कंसल्टेशन सर्विस प्रोवाइड टू द पेशेंट बाय CHO अचीवमेंट नंबर टारगेट। तो हमारा टारगेट 100 का है यहाँ पर टेली कंसल्टेशन का। तो आप सभी को पता है गाइडलाइंस के अनुसार पहले 25 टेली कंसल्टेशन का टारगेट था अप्रैल से अब तक, लेकिन अभी गाइडलाइंस चेंज होके आई है तो PBI का फॉर्मेट भी चेंज हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग हमें 100 इसमें डालना है। तो हमने जितने भी OPD की हैं हम इसमें फिल करेंगे। इसमें देख लेते हैं पहले 50% पे कितना आता है। अगर हम इसमें 100 में से 50 OPD करते हैं तो हमारा 50% PBI आएगा। अगर 60 पर OPD करते हैं तो हमारा 100% PBI आएगा। अगर हम इसमें 60 डालते हैं तो हमारा 100% PBI आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेलनेस एक्टिविटी का। तो वेलनेस एक्टिविटी क्या होती है, जैसे हमारे SWC पर VHND सेशन हेल्ड होते हैं, 3-4 VHND सेशन होते हैं, प्लस अंतराल दिवस होता है और HRP डे होता है, खुशहाल परिवार दिवस होता है। ये हमारी वेलनेस एक्टिविटीज़ हो गई। तो ये कम से कम 10 हमारी एक मंथ में होनी चाहिए। हमारी यह है इस माह की 12, तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नंबर ऑफ वेलनेस एक्टिविटी हेल्ड, टोटल नंबर ऑफ वेलनेस एक्टिविटी टू बी हेल्ड इन द मंथ पर एनुअल हेल्थ एंड हेल्थ कैलेंडर। जो ये वाली एक्टिविटी वो होती हैं जो हेल्थ कैलेंडर के अनुसार, जो हमारे SWC पर एक हेल्थ कैलेंडर आता है उसके अनुसार जो वेलनेस एक्टिविटी होती है वो हम यहाँ पर करते हैं और ये हमें 100% करनी होती है। तो यहाँ पर हम 100% अचीवमेंट करेंगे तभी हमारा PBI आएगा, वरना नहीं आएगा। तो एनुअल कैलेंडर के हिसाब से हमारी एक्टिविटी थी इस बार अप्रैल में 4, तो यहाँ पर हम 4 ही लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है HWC रिपोर्टिंग। तो HWC रिपोर्टिंग में ये हमें डेली जो रिपोर्टिंग करनी होती है HWC पोर्टल पर, वो हम इसमें डालेंगे। तो ये हमें 20 से कम नहीं करनी है। देखिए अगर हम इसे 19 भी करते हैं तो हमारा PBI 0 आएगा। तो हमें 20 OPD डेली चढ़ानी ही चढ़ानी है। इसको हम 21 भी कर सकते हैं, 22 भी कर सकते हैं, लेकिन 20 से कम नहीं कर सकते।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा HWC रिपोर्टिंग 11B। तो इसमें क्या है, इसमें है मंथली रिपोर्टिंग। हमने जो मंथली सर्विस रिपोर्ट की है इस बार वो हम इसमें फिल करेंगे। मंथली सर्विस रिपोर्ट में हम क्या डालते हैं, जो हमने BP शुगर के मरीज उसमें डाले हैं, टोटल नंबर ऑफ स्क्रीनिंग कितनी हमने की है वही हमें इसमें फिल करना है। जैसे हमने 165 किया था, यहाँ पर भी 165 हम फिल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा JAS, नंबर ऑफ मीटिंग हेल्ड विद 60% मेंबर प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ मीटिंग प्लान्ड अचीवमेंट। तो इसमें हमें 60% मेंबर के साथ जन आरोग्य समिति की बैठक करनी होती है। अगर 60% मेंबर हैं तो ही आपका PVI पूरा मिलेगा, अगर नहीं है तो आपका PVI 100% नहीं मिलेगा। तो ये हमारी एक मीटिंग होती है, आप इसमें एक भी डाल सकते हैं और 60% भी डाल सकते हैं। तो इसमें आप एक मीटिंग भरेंगे तो यहाँ पर 1000 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है VHSND। तो ये VHSND क्या है, नंबर ऑफ VHSND हेल्ड टोटल नंबर ऑफ VHSND प्लान, मतलब ये जो आपके RI होते हैं ये आपको 90% सुपरविज़न करना होता है RI का, अपने एरिए का। तो हमारे एरिए में कितने RI होते हैं वो इसमें हमें लिखना है और थर्ड नंबर पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विलेज मीटिंग, नंबर ऑफ VHSNC मीटिंग हेल्ड एज पर मंथली प्लान, टोटल ऑफ नंबर ऑफ VHSNC फॉर्म्ड इन HWC कैचमेंट। तो इसमें आप जो VHSNC की मीटिंग करते हैं तो इसमें आपको वही लिखनी है, आपकी आपके HWC में जितनी भी ग्राम सभा आती हैं उतनी ही हमें VHSNC की बैठक करनी होती है। तो हमारे एरिया में 2 आती हैं तो 2 ही हमें लिखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका नंबर ऑफ केस सीन एट द रिसीविंग हायर सेंटर केसेस रेफर टू हायर फैसिलिटी अचीवमेंट। तो हमें 35 का टारगेट दिया गया है रेफर करने के लिए हायर फैसिलिटी पे, चाहे वो PSC हो या CSC हो। तो हम यहाँ पर रेफर में कौन से पेशेंट दिखा सकते हैं, ये देखिए जो हमने हाइपरटेंशन के लिए रेफ़र किए थे इस मंथ वो हम इसमें दिखाएंगे। TB के पेशेंट जो रेफ़र किए थे वो दिखाएंगे, TB के साथ हैं, हाइपरटेंशन के 3 हैं और डायबिटीज़ के 3 हैं, 4 हैं। तो इस तरह से हम इनको जोड़ लेंगे, 4 3 7 और 7 14। और एक 2 3 पेशेंट आ जाते हैं अदर डिजीज़ के, जैसे किसी को एनीमिया है या फिर कुछ और बीमारी है या फिर फीवर है, तो उनको भी हम हायर फैसिलिटी पे रेफ़र करेंगे। तो वो केस इसमें जोड़ के लिखेंगे, अप्रैल मंथ में हमने 19 केस रेफ़र किए थे, उनमें से कितने वहाँ पर पहुँचे हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रेफ़र फॉलोअप, तो कितने मरीज CSC पर पहुँचे हैं उनका हमें फॉलोअप करना है। CSC पर पहुँचे थे 17, हम उनके फॉलोअप करेंगे। फॉलोअप के टाइम पे कुछ मरीज हमारे पास भी नहीं आते हैं तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो 80% मरीज हमारे पास फॉलोअप के लिए आने चाहिए, तभी हमारा अचीवमेंट पूरा हो जाएगा। इस तरह से हमारा PVI फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तो अभी हम इन सभी को, जो पॉइंट हमने फिल किए हैं उन सभी को सेव कर देंगे। सेव होने के बाद आप इनको अपडेट भी कर सकते हैं, इस तरह से आपका लिख के आएगा, योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव्ड। सेव करने के बाद ये आपको अप्रूव करना पड़ेगा ताकि MOIC के पोर्टल पर शो हो सके। तो इस तरह से आप सारे पॉइंट्स को सेव करते जाएंगे।
ये हमारे सारे पॉइंट सेव हो चुके हैं। अब हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आपका इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। ये देखिए, आपको अभी पहले इस पे नोट स्टार्टेड लिखा हुआ आ रहा था, अभी यहाँ पर सारे पॉइंट हमने सेव कर दिए हैं। तो यहाँ पर लिख रहा है कि जितना अमाउंट हमें मिलने वाला है PBI का, वो इस पे लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से हम PBI का फॉर्म फिल कर देंगे। अगर आप इसमें दोबारा भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर एंट्री में जाके यहाँ पर दोबारा से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने कुछ मिस कर दिया है तो यहाँ पर आप दोबारा अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा PBI फिल हो गया है। यहाँ पर प्रोग्रेस रिपोर्ट में देखेंगे CHO वाइज इंसेंटिव, सिलेक्ट मंथ अप्रैल, लखनौती अप्रैल, इस तरह से आपको PBI का पूरा फॉर्मेट दिख जाएगा। देख रहे हैं आप, तो यहाँ से आप रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। जो जनरेट रिपोर्ट का ऑप्शन देख रहे हैं, इसके बाद आपको PDF खुल के आ जाएगा। तो ऐसे हम अपना इंसेंटिव फिल कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे न्यू वीडियो अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। और कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि हमें आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए।